शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कहाँ जाना है आपको? जाएंगे तो तब ना जब ये पता मिलेगा। सुबह से ढूंढ रहे पर नहीं मिल रहा है। आपको पता है ये पता? नहीं। ये तो मेरे घर के पास का पता है। हाँ, प्लीज मुझे ले चलिए। मेरे दीदी और जीजू का घर है। उन्हें सुबह से फोन करे बट फोन स्विच ऑफ आ रहा है। आप इस शहर में नहीं है क्या? जी, जौनपुर से आए, आज ही आए शहर में। चलो ले चलता हूँ। पता पता तो पते के हिसाब से तो यही घर लग रहा है। दीदी दीदी दीदी, आप दरवाजा काहे बंद कर रहे हैं? कुछ चीजें बंद दरवाजे के पीछे ही अच्छी लगती है। हटिए, हमें जाने दीजिए। छोड़ो, गांव वालों का थोड़ा मजा तो ले लेते। जबरदस्ती कर रहा था और वहां तो कोई भी नहीं है। लगता है आपको आपको देख के भाग गया। मुझे दीदी का पता चाहिए था, वो बोला कि वो दिखाएगा। वो मेरे साथ रूम में लेके जाके जबरदस्ती कर रहा था। अच्छा ठीक है, तुम घबराओ मत, मेरे साथ मेरे घर चलो। हाँ, वैसे भी ना ये इलाका सेफ नहीं है। चलो उठो। ये लो, चाय पियो। तो तुम अपनी दीदी से मिलने यहाँ आई हो? आप भी तो मेरी दीदी जैसी है। मेरी दीदी भी सबकी मदद करती है। वैसे दीदी, आपका नाम क्या है? आरती। हाँ, सच्ची? हाँ, मेरी दीदी का नाम भी आरती है। अजी सुनिए, नीचे आइए, आपको किसी से मिलवाना है। बस दो मिनट आया। श्रुति श्रुति श्रुति, कहाँ थे आप? सुबह से ढूंढ रहे थे हम आपको, पता है? कहाँ थे? ये मेरी दी की बेटी है। अरे जी, मेरी बेटी है श्रुति, और तुम कुछ भी बके जा रही हो। नहीं, हम सच कह रहे हैं, ये दी की बेटी है। अरे, ये श्रुति का फोटो भी भेजा था। अरे छोड़ो इसे। अरे इतना शोर क्यों मचा रखा है? जीजू, जीजू अब यहाँ कितना शोर क्यों मचा रखा है? कहो ना इस औरत को कि ये आपकी और दी की बेटी है। जीजू, दीदी तुम हो कौन? मैं बताती हूँ, ये लड़की मुझे सड़क पर भागते हुए मिली थी। बोल रही थी कोई इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था,
पर वहां पे तो कोई नहीं था, तो ये सोचकर मैं इसे घर लेकर आ गई। कहती है कि मेरी दीदी का नाम भी आरती है, कह रही है कि ये श्रुति इसकी बहन की बेटी है। और देखिए अब आपको जीजू जीजू कह रही है। सुनिए ये ना लड़की ना सच में पागल है। ए लड़की चल निकल मेरे घर से, आजकल तो भलाई का जमाना नहीं है, निकल जा यहाँ से, निकल। दी बहुत हो गया जीजू, बुलाए दीदी को। कहा है दीदी? दीदी दीदी मुझे लगता है लड़की वाकई पागल है। सुनो ना, मैं तुम्हें जानता हूं ना तुम्हारी दीदी को जानता हूं, एक काम करो निकलो मेरे घर से निकलो। आप मुझे भूल गए, पर दी दी को जौनपुर से मुंबई आए 6 साल हो चुके हैं जीजू, और आप दोनों की शादी को 5 साल। आपने मेरे से वीडियो कॉल पे बात भी की थी, आप लोगों को यकीन नहीं है ना? रुके हम दिखाते हैं। अरे मेरा फोन और पर्स तो वहीं रह गया। वाह अब एक नया बहाना। हाँ नहीं बहाना नहीं है, हम सच के। ये जो तुम्हारा वीडियो कॉल है ना, ये कोई भी किसी का चेहरा लगा के किसी से भी बात कर सकता है। अब मैं सलमान का चेहरा लगा के तुमसे बात करूं तो क्या मैं सलमान हो गया? नहीं ना, ना मैं तुम्हारी दीदी को जानता हूं, अगर है भी कोई तुम्हारी दीदी तो तुम्हें बेवकूफ बना रही है। अब आप मेरे जीजू हो या नहीं ये थाने जाके तय करेंगे। एक मिनट, अगर ये गलत होती है तो ये थाने जाने की बात कतई नहीं करती है। मुझे लगता है इसके साथ कोई धोखा हुआ है। वैसे भी इस शहर में किसी को नहीं जानती है, बाहर निकली थी तो किसी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की, अब बाहर जाएगी तो पता नहीं इसके साथ क्या क्या होगा। देखो हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। हाँ सुनिए ना, आपके जो वो दोस्त है ना इंस्पेक्टर, अब उनसे बात कीजिए ना। हाँ तुम सही कह रही हो, मैं उनसे बात करता हूँ। दीदी के साथ जो हुआ है वो श्रुति बता सकती है, बस अब किसी भी तरह इस घर में रुक कर श्रुति से बात करनी होगी। अरे कहाँ खो गई? दी प्लीज मैं यहाँ रुक सकती हूँ, जब तक दीदी नहीं मिलती मैं इस घर में कहीं भी सो जाऊंगी, कोई भी कोने में सो जाऊंगी। चलो आओ मेरे साथ आओ। आरती चलो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं, टिफिन तो लेते जाइए। इतनी जल्दी क्या है आज? तुम कहो तो आज ऑफिस ही ना जाऊं। अच्छा तो किसने कहा था ये नाइट शिफ्ट वाली जॉब लेने के लिए? जिस वक्त तुम्हारा हाथ पत्नी की कमर में होना चाहिए उस वक्त तुम कंप्यूटर पे अपना हाथ चलाते हो। फिलहाल तो मेरा हाथ कंप्यूटर पे है, लेकिन मैं कमर पे भी रख सकता हूँ। अरे अरे जाइए ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, चलो जाइए। चलो बाय बाय। श्रुति श्रुति कहाँ हो तुम? श्रुति श्रुति कहाँ हो तुम? श्रुति इधर आओ, पहचानो हमें, हम तुम्हारी मौसी है ना? वो औरत वो तुम्हारी मम्मी नहीं है ना? मुझे बताओ उन दोनों ने मिलके क्या किया मम्मी के साथ, बताओ कहाँ है मम्मी तुम्हारी, बोलो ना मम्मी कहाँ है। तुम्हारे किसी भी सवालों का जवाब श्रुति नहीं दे पाएगी क्योंकि 2 साल की उम्र से वो बोल नहीं सकती है। ऐसा नहीं हो सकता, मैंने मैंने श्रुति से वीडियो कॉल पे बात की थी,
ऐसा तो बिल्कुल नहीं मान सकती मैं। निम्मी यही तो बात मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। धोखा? मैं नहीं मानती, मैं अपनी दी को जानती हूँ, मेरी दी मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेंगी। ये मेरी भांजी है। अरे छोड़ो इसे, तुम अगर दोबारा श्रुति के पास आई ना तो देखना इस घर से तुम्हें निकाल दूंगी। एक तो तुम्हारी मदद कर रही हूँ, इस घर में रखा है तो ना एहसान मानो। तो कुछ समझ नहीं आ रहा, उस वक्त श्रुति इतनी डरी हुई क्यों थी? कुछ तो है जो वो औरत छुपा रही है, मुझे पता लगाना बहुत जरूरी है। अभी कौन आ रहा है इतने रात में? डॉक्टर इतनी रात में? अरे यहां नहीं, ऊपर कमरे में जाके उतारो। ठीक है। साहब गर्मी से मेरा पूरा बदन तप रहा है। कोई बात नहीं, तप रहा है। छोड़ो, गर्मी मापने के लिए तुम्हें बिस्तर पर लेटना होगा। अपने एक्सपीरियंस से बहुत से लोगों को ठीक किया है। तो जल्दी कीजिए ना डॉक्टर। चलो अभी ठीक कर देता हूँ। कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है इस घर में। हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। हाँ सुनिए ना, आपके जो वो दोस्त है ना इंस्पेक्टर, अब उनसे बात कीजिए ना। हाँ तुम सही कह रही हो, उनसे बात करता हूँ। तो तू है जौनपुर की निम्मी? हाँ जी सर, इस घर में बहुत गड़बड़ है, मेरी दीदी। मुझे विवेक ने सब बताया है, अब जितना पूछूं उतना जवाब देना। अपनी दीदी की फोटो दिखा। वो फोन में है और फोन गिर गया। आईडी? आईडी पर्स में थी, वो भी गिर गया। पर्स गिर गया? साहब मैंने कुछ नहीं किया है। गिरा पर्स और मोबाइल नहीं, तू गिरी हुई है। विवेक को मैं पिछले 10 साल से जानता हूं, विवेक और आरती की शादी मेरे सामने हुई है। सच बता, जौनपुर से मुंबई ड्रग स्मगल करती है ना तू? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। करती मैं अपनी दी को ढूंढने आई हूँ। तेरी तलाशी लेनी पड़ेगी।
क्या हुआ? लड़की खिलाड़ी लगती है। ये ले पेपर, इस पे अपना नाम और पता लिख, चल जल्दी लिख। अगर तेरा मोबाइल पर्स मिला तो ठीक, वरना इसकी पूरी कुंडली निकालनी पड़ेगी। जब तक इसकी सच्चाई पता नहीं चल जाती, ये घर से एक भी कदम बाहर नहीं रखेगी। ठीक है? चलो बेटा। ऐसे तो मेरी कोई बात ही नहीं मानेगा यहां पे। कोई तो सबूत एक होगा इस घर में जो जिससे मैं साबित कर पाऊंगी ये मेरी दीदी का परिवार है। सोच निम्मी, कुछ तो सोच। दीदी ने कहा था कि 3 महीने पहले जीजू का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, तो ऑपरेशन का कोई निशान तो होगा ही ना शरीर पे जीजू के। उस निशान से ये पता लगाना पड़ेगा कि विवेक ही मेरे जीजू है कि नहीं। यस। कम ऑन, कैच इट। वेरी गुड। जूस। आज तुम क्यों लेके? घर पे इतना बैठे रहते हैं, सोचो कुछ काम कर ले। लीजिए ना जूस। जीजू, मतलब भैया, मेरी वजह से आपका शॉर्ट गंदा हो गया, हम साफ कर देते ना। नहीं, मैं कर लूंगा, थैंक यू। वैसे भी ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है और कपड़े बदल कर ही जाना पड़ेगा। बेटा मैं आता हूं। हे भगवान, ये कोशिश तो फेल हो गई। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कल विवेक के बदन पर ऑपरेशन के निशान है कि नहीं देखना पड़ेगा। ये तो वही है जो कल डॉक्टर के कपड़ों में आया था। यहाँ नहीं, अंदर जाकर कपड़े उतारो, मैं आती हूँ। वकील साहब, प्लीज मुझे मेरे पति से तलाक दिला दीजिए। वो मुझे मारते हैं, हर रात मेरे साथ जबरदस्ती करते हैं। बचा तो लूंगा, पर क्या तुम मेरी फीस अफोर्ड कर पाओगी? पैसों के अलावा भी देने के लिए बहुत कुछ होता है। ठीक है। तो ठीक है वकील साहब, अपनी फीस वसूल। इस घर में क्या होता है ना रात में, विवेक को बताना ही होगा।
आरती, आरती, दीदी श्रुति को लेकर स्कूल गई है। अच्छा अच्छा, आपको कुछ चाहिए? अरे क्या हो गया? मैं कुछ नहीं, वो कमर दर्द हो। कमर दर्द? मैं कुछ मदद करूं? तुम कैसे मदद करोगी? हमने हमारे गांव में कहीं पहलवानों की हड्डियां ठीक की है अपनी मसाज से, आपकी कमर तो हम चुटकियों में ठीक कर देंगे। अच्छा, तुम्हें आता है? हाँ। चलो। लगता है आपके पूरे बदन में दर्द है। अरे निम्मी, वो मेरा जो इंस्पेक्टर दोस्त था ना, उसको भी सबूत हाथ लगे हैं। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी बहन को जल्दी ढूंढ निकालेगा। कैसे हो सकता है? ये लोग सच तो नहीं कह रहे, पर हमारी दीदी हमसे झूठ क्यों कहेंगे? क्या हुआ? कुछ नहीं, वो हमारे हाथ बहुत दर्द कर रहे हैं। आपको मसाज हम फिर कभी कर देंगे। वैसे हमारे गांव में एक कहावत है, इंसान की पीठ तब ज्यादा दर्द करती है जब कोई अपना ही उसके पीठ पे खंजर खोपता हो। मतलब आप कभी रात में घर आइएगा तो आपको समझेगा। आरती, तुमसे कितनी बार कहा है कि इस कमरे के राज बाहर नहीं जाने चाहिए? तुम निकलो यहां से, चलो। कम ऑन। हमारा काम तो अधूरा ही रह गया। उसे आज रात मैं पूरा कर देता हूं। ये क्या हो रहा है? वैसे भी एक पत्नी का फर्ज होता है कि पति परमेश्वर की हर इच्छा को पूरी करे। मैं आपकी पत्नी नहीं, दासी हूं। पत्नी तो तब बनूंगी ना जब आपके नाम का सिंदूर और मेरी कोख में आपकी औलाद होगी।
तुम मांग भरने के लायक नहीं है पापी औरत। यही मौका है उसके कमरे को तलाशने का। मेरा तो बस एक ही पाप है ना कि मैंने आपसे प्यार किया है। जबान लड़ाती है हा? पहचाना इसे? ये तुम्हारी बीवी। मेरी दीदी। ये फोटोज मुझे तुम्हारी अलमीरा से मिली है। किस किस्म के ढोंगी हो तुम हाँ? ये तुम्हारी बीवी पराई मर्द के साथ रात बिताती है। तुम अपनी बीवी को मारते पीटते हो। क्या किया तुमने मेरी बहन के साथ बताओ? क्या किया दीदी के साथ? ये मेरी बीवी नहीं है, ये हमारी नौकरानी है सुवर्णा। अगर ये फोटो तुमने पहले दिखाई होती तो ये बात मैं तुमसे बहुत पहले बता चुका होता। नौकरानी? हाँ नौकरानी सुवर्णा, और इसी नाम से ये हमारे घर में काम किया करती थी। 10 दिन पहले ये किसी परेशानी में थी और इसने काम छोड़ दिया। और निमी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझ पे ये इल्जाम लगाने की कि मैं पराए मर्दों के साथ सोती हूँ? अरे मैं तो अपने प्ले की रिहर्सल करती हूँ। प्ले? क्या प्ले? हाँ हम एक थिएटर ग्रुप चलाते हैं जिसकी प्रैक्टिस रात को होती है। हम वही कर रहे थे और 2 दिन बाद हमारा शो है। तुम्हें यकीन नहीं आता? ये देखो। सुवर्णा ने बताया था कि वो एक्टिंग करना चाहती है, इसीलिए मुंबई आई है, पर कुछ बन नहीं पाई। शायद इसीलिए वो तुमसे अपनी सच्चाई छुपाती रही। निमी, अब हम तुम्हारी दीदी को आराम से ढूंढ सकते हैं। मैं कल ही ये फोटो पुलिस वालों को दे दूंगा। मेरी दीदी ने आज तक मुझसे झूठ नहीं बोला। किसी और के परिवार को अपना परिवार क्यों? क्यों दीदी, ऐसा क्यों किया आपने? तुमने दी थी हमने पहचान की थी। तुम्हारी दीदी की डेड बॉडी 9 दिन पहले पास ही के तालाब में मिली थी। पहचान करना मुश्किल था इसलिए अंतिम संस्कार करना पड़ा, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने सुसाइड किया था। दीदी, चुप हो जा निमी, चुप हो जा। देख तेरे रोने से ना श्रुति भी रो रही है। अब हो गया, उसे तो हम बदल नहीं सकते हैं ना। देख।
मुझे माफ कीजिएगा, आप जैसे शरीफ लोगों पे मैंने बहुत शक किया। वैसे सुवर्णा बहुत अच्छी लड़की थी, ना जाने उसकी लाइफ में क्या हुआ जो। अरे जाते जाते ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, निम्मी को दुख होगा। निम्मी, अगर तुमने एक बहन खोई है ना, तो एक बहन पाई भी है। जिंदगी में कभी कोई भी परेशानी आए ना, तो मुझे फोन करना। हाँ, श्रुति नहीं दिखाई दे रही, कहाँ है श्रुति? वो अपने दोस्त के घर गई है, तुम अगली बार आओगी ना तब उससे मिल लेना। चलती हूँ। श्रुति, श्रुति कहाँ हो?
लाइट ही नहीं ऑन हो रही। क्या? हाँ? लो, अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। फ्यूज गया होगा। और यार एक लड़की के आंखों में सपने थे। अरे टीवी ऑन कैसे हो गया? सपने रंग बिरंगे थे, गांव के खेत खलियारों से वो शहर के इस वीरान में आई तो थी वो अभिनय करने, परिश्रम करने। भाग्य ने जब उसे ना साथ दिया, थाम लिया उसने इश्क का हाथ। उस लड़की के सपने पूरे हुए जब फूल सी बेटी उसकी हुई, पर उन सपनों में से कुछ अपने थे जिन्हें जो लालच से पनपे थे। जब रात से उनका पर्दा उठा। कौन है? कौन है? सामने आओ, कौन है? कौन है? कुछ यूं में ये दीदी ने अपने मौत का मंजर देखा जब उन्होंने अपनों के ही हाथ में खंजर देखा। मार डाला तेरी दीदी को। जब तक पैसे चल रहे थे दे रही थी, ठीक था सब। और उस दिन तू ना ऑपरेशन का निशान ढूंढ रही थी, अपेंडिक्स का। ऑपरेशन होता तो मिलता ना। उसे बहाने पैर बड़ा बना के पैसे लूटता रहा मैं। उसे मेरी असलियत पता चल गई थी, क्योंकि प्यार तो मैं अपनी आरती से करता था। और तेरी दीदी को मेरी बेवफाई का पता लग गया था, चढ़ गई थी मुझ पे। क्या करता? मार दिया। बेचारी श्रुति ने तो अपनी मम्मा को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखा है ना। बेचारी की तो सदमे से तब से बोलती बंद। और वो इंस्पेक्टर नकली था। ये जो जिंदगी है ना, ये एक रंगमंच है, सब कुछ दिखाना होता है। और आज और अब मैं अपनी गलती को सुधारूंगा। मैं तुझे और इसे पहले ही कह दिए थे हम।